हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरेका लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल्स जानने के लिए वीडियो में अंत तक बन रही है। तो देखिए, आज के डेट पे ये शेयर हाई गया था 1019, लो गया था 987.05 एंड आज के डेट पे इस शेयर ने रिटर्न दिया 2.23% एंड क्लोज हुआ 1007.75 पे। ओके, इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है 1009.47 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है 886.83 करोड़ एंड पीई रेशियो है 190.86। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है ₹3.81 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.01। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कम ही है। एंड कंपनी के पास अभी कैश है ₹126.45 करोड़। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कंपनी के पास मोर देन सफिशियंट कैश है कि कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 3.81 करोड़ का डेप्थ है इसको चुका सकता है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹5.29, रिटर्न ऑन इक्विटी है 52.50% एंड ROCE है 66.84%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 625.96%, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ है एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था 114.56%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ है। ओके, ये जो कंपनी है न्यूरेका लिमिटेड, इस कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 70%, पब्लिक का होल्डिंग है 12.74%, FII का होल्डिंग है 12.04% एंड DII का होल्डिंग है 5.22%। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 70% प्रमोटर्स का होल्डिंग है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेस नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, ये जो कंपनी है न्यूरेका लिमिटेड, इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज किया है एंड आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका वन डे का चार्ट ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, ये शेयर आपका कुछ दिनों से गिर रहा था, ठीक है, गिरते गिरते बहुत दिनों के बाद आज के डेट पे यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया है, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो RSI में देखिए आज के डेट पे आपका अपटर्न हो चुका है और MACD भी आपका आज के डेट पे 0 पॉइंट से ऊपर चला गया है। मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपका ₹1007, अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से आने वाले लगभग 3 से 4 महीने में ये शेयर आपका ₹1300 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।